Hello student, good morning. Today we will learn drawing, creative drawing book, standard 6. Creative drawing book, standard 6. आज हम देखने वाले हैं The Wheel of Colors. क्या है? The Wheel of Colors. Grade of Colors. कि grade क्या है? कि primary, secondary and tertiary. यानी कि प्राइमरी कलर्स है हमारे पास, सेकेंडरी कलर्स एंड टेरिटरी कलर्स हैं. तो प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से कलर आते हैं? रेड, येलो, ब्लू. कौन कौन से कलर है? रेड, येलो, ब्लू. उसके बाद है सेकेंडरी ग्रेड कलर्स. तो सेकेंडरी ग्रेड कलर्स यानी कि हमारे पास ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल. क्या है? ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल. एंड टेरिटरी कलर यानी कि ब्राउन, चिली ग्रीन एंड स्लेट कलर. क्या है? ब्राउन, चिली एंड स्लेट. आपको क्या करना है? डिश लेनी है, कलर डिश लेनी है. और फर्स्ट पहले क्या करेंगे? रेड, येलो एंड ब्लू कलर लेंगे. क्या करेंगे? रेड, येलो एंड ब्लू. डिश में हम फर्स्ट टाइम 3 कलर लेंगे और 3 कलर्स यहाँ पे रेड, येलो एंड ब्लू कलर फिल करेंगे. यानी कि यहाँ पे रेड कलर करेंगे, यहाँ पे येलो एंड यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे. अब यहाँ पे ऐसा देने का मीनिंग क्या है? तो कि रेड कलर और येलो कलर मिक्स हो जाने से क्या बन जाता है? ऑरेंज कलर. क्या बनता है? ऑरेंज कलर. रेड कलर एंड येलो कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर. कौन सा कलर? ऑरेंज कलर. यानी कि आपको लिखना भी है येलो प्लस रेड, येलो प्लस रेड इज इक्वल टू ऑरेंज कलर. अब है येलो एंड ब्लू. यहाँ पे येलो एंड ब्लू है तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन. कौन सा? ग्रीन कलर बनेगा. कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर. अब उसके बाद है आपके पास ब्लू एंड रेड. कौन सा है? ब्लू एंड रेड. आपको इन दोनों जो कलर है उसको आपको क्या करना है? मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनेगा? पर्पल. कौन सा कलर? पर्पल बनेगा. उसके बाद है लास्ट वाला सर्कल. तो लास्ट वाला जो सर्कल है उसमें क्या है? तो कि पर्पल एंड ऑरेंज, पर्पल एंड ऑरेंज मिक्स होने से कौन सा कलर बनेगा? ब्राउन. कौन सा? ब्राउन कलर. उसके बाद है ऑरेंज एंड ग्रीन. ऑरेंज एंड ग्रीन के ग्रीन को मिक्स करने से कौन सा कलर बनेगा? चिली ग्रीन. कौन सा कलर? चिली ग्रीन. आपको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है? कलर फिल करना है, वाटर कलर फिल करना है. उसके बाद है पर्पल एंड ग्रीन. क्या है? पर्पल एंड ग्रीन. पर्पल एंड ग्रीन को आप मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनेगा? स्लेट कलर. कौन सा कलर? स्लेट कलर. यानी कि द सर्कल, द व्हील ऑफ कलर्स में से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा कलर को आप मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बन सकता है. यानी कि वाटर कलर आपको यूज़ करना है और डिश, वाटर कलर डिश जो आती है वो भी यूज़ करनी है. डिश को आपको अच्छे से यूज़ करनी है. यानी कि जब हम डिश में कलर लेंगे तब यानी कि साइड में जो बॉक्स होता है उसमें भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कलर जरा भी दूसरा कलर के साथ मिक्स हो जाएगा तो कलर चेंज हो सकता है. यानी कि कलर हम जब लेंगे तब हमें अच्छे से लेना है. और जब हमें ब्रश, यानी कि ब्रश यूज़ करेंगे कलर फिल करने के लिए, जब ब्रश यूज़ करेंगे तब हमें ब्रश को अच्छे से यूज़ करना है. बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉर्डर के अंदर ही रहना चाहिए. यानी कि कलर फिल अच्छे से करना है. कलर फिल हो जाने के बाद आपको दिखेगा कैसा, इस तरह से दिखेगा. दिखने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा बहुत बॉर्डर कर देनी है, क्योंकि बॉर्डर थोड़ी बहुत छूट जाएगी तो आपको क्या करनी है? बॉर्डर कर देनी है. यानी कि बन गया हमारा द व्हील ऑफ कलर्स. क्या है? द व्हील ऑफ कलर्स.